आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज मुरादाबाद में की चुनावी जनसभा। भीम आर्मी के प्रत्याशी चांद बाबू के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया जनसभा को संबोधित। चंद्रशेखर आजाद ने 2 बजे नानपुर में किया जनसभा को संबोधित। कुनरकी विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। मुरादाबाद के कुनरकी विधानसभा नानपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नानपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कल हमारी जनसभा, अबे भाई यार क्या कर रहा है, अरे मोबाइल नीचे कर लो। और आज हमारी जनसभा ऊपर हाथ जोड़ रही है, बिल्कुल ही आप भी जानते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, कंट्रोल करना मुश्किल है। ये इस बात का उदाहरण है कि आने वाला समय हमारा साथ बढ़ते सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, जनता में उत्साह है, आर्मी पार्टी में उत्साह नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता में उत्साह है। मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद रहा तो आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से कोई और सवाल। एक बात मुझे आपसे कहनी, जिस तरह से बहराइच में जुल्म हो रहा, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जुल्म हो रहा, जिस तरह से यहाँ बैजोई में 90 घरों को चिन्हित मृदा का तोड़ने के लिए, आप ये याद करो कि सरकार का काम वापस आना होता है मध्य ग्राम में। ये जो जानबूझ के चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे जुल्म कर रही सरकार, जनता वोट की चोट से सुन समय दिशा चुकता करेगी और ये तानाशाही राज नहीं चलेगी। ये जो गुंडा राज है इसका अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये होना जरूरी। सर समाजवादी का गढ़ है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? भाई मैंने बहुत बड़े बड़े गढ़ टूटते देखे, मेरी एक बात याद रखना, जनता मालिक होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा गढ़ है, ये जनता बड़ी है, जनता सब देखती है कि जिनको वोट देते हैं कुछ चुनाव के बाद इनको अब अगर अपना नाश ही करना हो तो भाजपा पार्टी के चला जाए और नाश ना करना भारत पहले गए उन्होंने कहावत है कि आजमाओगे तो आजमाओगे तो कभी मिलेगा जो मिल पाया। अगर उनको आजमा के जनता चाहती तो जनता तय करे और हमें मौका देना चाहती सेवा का तो आप देखना जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद सुनाई रखता है उसी तरह असेंबली में आज ये चार बाबू जनता की लड़ाई लड़ने काम करें पूरे प्रदेश के बाद बनने काम करें। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सारी पार्टी को अधिकार है कि वो अपना प्रत्याशी निकाले, जनता को तय करना है कि कौन आदमी जीत सकता है और किस आदमी के साथ जनता। सर दलित समाज के बारे में बताया किस तरह का सही होगा, आप निकल के दिखा दो मुझे, आपको पता लग जाएगा।